नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक ज़माना था जब हम लोग 10 बजे 9 बजे तक बाहर खेला करते थे, सड़कों पर कली क्रिकेट खेलते थे, कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, वो तमाम चीज़ें करते थे। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है, पूरी सड़कें सुनसान रहती हैं, बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं। हम बच्चों को किसी और के घर पे सुरक्षित महसूस करते हैं, ना कि सड़कों पर। ये स्थिति इस वजह से आई है जिसकी वजह है रेप, यानी रोज़ बढ़ते रेप केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं हिंदुस्तान में कि आज ये स्थिति हमने बना ली है कि कोई भी बच्चा अकेला या फिर कुछ ग्रुप के साथ भी बाहर नहीं खेल सकता है। आसिफा की जो कहानी है वो हमारे जहन से अभी उतरी भी नहीं थी कि एक और नई कहानी, ताज़ी कहानी चेन्नई से आ चुकी है। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल थी, जिसका एक नहीं दो नहीं बल्कि 22 लोगों ने बारी बारी 7 महीने तक रेप किया। इस रेप की शुरुआत जनवरी के महीने, दिसंबर जनवरी के महीने में हुई। ये जो अपार्टमेंट है ये कुछ 400 घरों का अपार्टमेंट है, यानी काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी सारे प्रसिद्ध लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं। ये बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती है। इसके पिता दुकान संभालते थे। बच्ची के घर आने के बाद इनकी माँ भी रजिस्ट्री चली जाती थी अपने पति की मदद करने के लिए। बच्ची ज़्यादातर शाम के समय पर अकेले रहती थी, जिसका फ़ायदा इन तमाम लोगों ने उठाया। सबसे पहले रवि कुमार नामक एक 86 साल के बुज़ुर्ग ने, यानी बूढ़े व्यक्ति ने, इस बच्चे को ललचाया। उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिलाई, उसको पॉर्न वीडियोस दिखाए और उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना यहीं तक नहीं सीमित रही, बल्कि इसने उस बात को और अपने तमाम साथियों को बताया और एक एक करके ये लिस्ट बढ़ती चली गई। घटना तब ज़्यादा गंभीर हुई जब इन लोगों ने अपने और साथियों को, यानी जो अपार्टमेंट में नहीं रहते थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने अपार्टमेंट के अंदर बुलाया और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने में उसकी मदद करी, उन लोगों की मदद करी। ये कुल जो संख्या है वो 22 बताई जाती है। अब तक जो लोग अंदर हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, वो हैं 17 लोग, यानी 5 और लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाहर हैं, अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ये पहली घटना नहीं है जो चेन्नई में घटी है। इससे पहले भी हासिनी नामक एक बच्ची थी जिसकी उम्र थी सिर्फ 7 साल। दशवंत नामक पड़ोसी ने, यानी जिसकी उम्र थी 23 साल, जिसका नाम था दशवंत, उसने उस बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी। दशवंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन दशवंत का पिता उसको बेल में बाहर ले आया। दशवंत खुली हवा में घूमता रहा। एक महीने बाद दशवंत ने खुद की माँ की भी हत्या कर दी। तब जाके उसके पिता को होश आया कि शायद इस शैतान को मुझे बाहर नहीं लेके आना चाहिए था। अब दशवंत बड़ी मुश्किलों के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा है, उसको जेल में बंद कर दिया है। ये एक ही केस ऐसा नहीं है, देश भर में 1,33,000 ऐसे केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं 2016 तक। ये आंकड़ा जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से आ रहा है। इसके अनुसार अगर आप देखें तो 95% ऐसे केसेस हैं जो कि उस विक्टिम को जानते थे, यानी वो तमाम लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं या फिर खुद के घर परिवार में रहते हैं, उन्हीं ने इन तमाम रेप केसेस को किया है। और पूरी जो संख्या है रेप केसेस की हिंदुस्तान में जो 2016 तक दर्ज थी, वो है 1,33,000 केसेस, जिसमें कि 85% यानी 85% ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, यानी रेप के बाद इतनी कठोर सज़ा हिंदुस्तान में होती ही नहीं है कि उनको ये भय रहे, ये डर रहे कि हमको फांसी की सज़ा मिल सकती है या फिर हम जीवन भर बाहर नहीं आएंगे। अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को देखें, पाकिस्तान में भी देखें, वहाँ पर सरेआम उसको फांसी लगाने की सज़ा है। चीन में कनपट्टे के पीछे गोली से मार देने की सज़ा है। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर चौराहे पे उसको लटका कर पत्थरों से मारा जाता है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर उसका सर भी कलम कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में जो सज़ा है वो है मौत की सज़ा, यानी कि फांसी की सज़ा। अगर आप देखें निर्भया केस, जो इतना ज़्यादा बड़ा प्रचलित केस है हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में
इसकी चर्चा हुई थी, उन लोगों को भी अब तक फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया है। आखिर हमारे हिंदुस्तान के कानून को किस सांप ने सूंघ लिया है? जब इस तरह के बच्चों के साथ धारणाएं होती हैं, कम से कम उनके ऊपर तो सख्त से सख्त सजा का प्राविधान रखें। यानी इस तरह के जो लोग हैं जिनको ये लगता है कि इनके साथ रेप किया जा सकता है, इनकी जान भी ले ली जा सकती है, इसके बावजूद हम कुछ एक महीनों में बाहर आ जाएंगे। अगर मैं आपको इन तमाम लोगों के नाम पढ़ के बताऊं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है लिफ्ट ऑपरेटर, जिसका नाम है रवि कुमार, जो मेन अभियुक्त है, जिसकी उम्र है 66 साल। उसके साथ साथ बाबू, परमशिवम एंड दीनदयाल। इसके बाद प्लंबर, जो वहां पे प्लंबिंग के काम करते थे, उनकी अगर मैं आपको बात बताऊं, सुरेश, जय गणेश, राजा और सूर्या, ये वो लोग थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिसको सुरक्षा का एक जिम्मा दिया होता है उस अपार्टमेंट का, उन लोगों की हरकत देखिए, उनके नाम आप सुनिए, अभिषेक, मुरुगेश एंड पलनी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बच्चे के साथ ऐसे कर्म किए। इसके बाद जो एक घर में काम करने वाला नौकर था, वो भी इसमें शामिल था, जिसका नाम है राजशेखर। इसके बाद अगर आप देखें जो माली है, जो वहाँ का जो अपार्टमेंट का माली है, वो भी इसमें शामिल है, उसका नाम है गुणशेखर। इसके बाद जो वहां पे बिजली का काम करता था उस अपार्टमेंट में कुछ एक लोग, जिसमें जिसका नाम है जयराम और एक और शख्स है उमापति, ये वो 15 लोग हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास आई है। इसके अलावा 7 और लोग हैं जो जिसमें से कि 2 और गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके नाम अभी हमें नहीं पता, लेकिन 5 ऐसे और लोग हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। माँ बाप जो घर से बाहर जाते हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप ये कोशिश करें कि बच्चों के साथ आप हमेशा एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता बनाए रखें, उनसे रोज़ आके बैठ के बात करें, उनके बिहेवियर को हमेशा जांचें परखें, बच्चों को ये सिखाएं कि नहीं बोलना है, क्या अच्छा स्पर्श है और क्या बुरा स्पर्श है, ये जो चीज़ है ये बच्चों को हमेशा से समझानी चाहिए। कौन शख्स कहाँ पे आपको हाथ लगा रहा है, ये उस बच्चे को पता होना चाहिए, वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का, बच्चा बच्चा होता है। इन जैसे शैतानों के लिए बच्चा एक शरीर है जो अपनी हवस उतारने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम माता पिता जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चों से बातचीत करें, अपने बच्चों के लिए एक अलग समय निकालें जहां पर आप अपना फ़ोन, अपना टेलीविज़न, अपने बाकी तमाम साथियों की बातों को दूर रखें। वो जो वार्तालाप है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और बच्चे के बीच में होनी चाहिए, ताकि आपका जो बच्चा है वो इतना खुल के आपके पास आके ये बात कह सके बिना डरे कि मुझे उस अंकल ने इस तरह से छुआ था, तो पापा या फिर मम्मी आप चलिए मेरे साथ उस अंकल से बात कीजिए। जब तक आप उस बच्चे को ये भरोसा नहीं दिलाएंगे, बच्चा आपके पास आके नहीं बताएगा। यही हुआ इस बच्ची के साथ, 7 महीने तक इस बच्ची के ऊपर टॉर्चर होता रहा, 7 महीने तक इस बच्चे को डराया धमकाया गया, 7 महीने तक वो वीडियोस दिखाए गए इस बच्चे को जो उस बच्चे की उम्र ही नहीं थी देखने की, इस बच्ची का वीडियो बना दिया गया, उस वीडियो को दिखा दिखा कर उस बच्चे को डराया गया, चाकू की नोक पर डराया गया, वीडियो को दिखा दिखा के धमकाया गया, और यहाँ तक भी कहा गया अगर तुमने इस बात को किसी और से जाके कहा तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और जो हमारी पड़ताल में ये भी बात सामने आ रही है कि इस बच्चे को इन लोगों का मारने का भी प्लान बन चुका था। हमें इस तरह की खबर दिखाते हुए या फिर बताते हुए बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है। आशा करते हैं इस तरह की खबर फ्यूचर में, भविष्य में हम आपको ना दिखाएं, ना सुनाएं। मैं चाहता हूं जिस तरह से मैं खेला करता था रात के 9 बजे 8 बजे तक अपने तमाम उन दोस्तों के साथ बाहर पार्क में सड़कों पर, वैसे ही मेरी बेटी भी जाके खेला करे, मेरे भी बच्चे वहां पे जाके खेला करें, वो तमाम बच्चे मैं वापस सड़कों पे देखना चाहता हूं जो शायद परियों की कहानी की तरह कहीं गुम हो चुके हैं। बने रहें हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।